एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे। कामाभिकामं मनुमय प्रपतन प्रसंगा कृत्वात्मसा सुरशिणा भगवन् गृहीता सोहं कथं नु वृषजे तव भृत्य सेवा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधकुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं, भले ही मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। तात्पर्य, जैसा कि बाद के श्लोकों से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद को मनवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने ऐसे वरों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उलटकर भगवान से यह प्रार्थना की कि अपने दास नारद मुनि की सेवा में मुझे लगा रहने दें। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु को छोड़कर भगवान की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादिर चरण से भी भक्त सनिवास, जनमे जनमे होए अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के दास अनुदास बने। गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। भगवान तक पहुंचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए, तब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना होना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। मनुष्य को ज्ञान द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना होगा और जब यह योग्य बन जाएगा तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त होगा। अतएव प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहना दिया जाए। यही सही निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा, सोहम कथम न विसजे तव वृत्त सेवाम।
भला मैं अपने गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं, जिन्होंने इस तरह से कृपा की कि मैं आपको अपने समक्ष देख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगा रहूं। तो ये महान भक्त प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है नृसिंहदेव के चरणों में, एक आदर्श प्रार्थना है। जिस भक्त ने भगवान का दर्शन किया है, जिस भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया है, और जिस भक्त के लिए भगवान स्वयं भगवत धाम से अवतार ले रहे हैं। सामान्यतः हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान एक अवतार सारे काम पूर्ण कर देते हैं इस मल्टीटास्किंग, लेकिन नरसिंहदेव की लीला में हम देखते हैं केवल एक भक्त के लिए भगवान अवतार लेते हैं। उनका केवल उद्देश्य प्रहलाद को वात्सल्यता प्रदान करना था। भगवान के अनेक गुण हैं जिसमें भक्त वात्सल्यता प्रधान है। भगवान अपने भक्तों के लिए इतना समर्पित हो जाते हैं, इतना समर्पित, इतना कृतज्ञ हो जाते हैं कि भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आज तक लोग कृष्ण को तिरस्कार करते हैं महाभारत के युद्ध के लिए, कितना पक्षपात किए हैं पांडवों के। यद्यपि हम कुछ भी बोलें लेकिन पक्षपात तो किए हैं, ये तो बात सही है, हम भले कितना जस्टिफिकेशन दें। भक्तों के लिए भगवान इस तरह तत्पर रहते हैं, उनकी शरणागत वत्सल। भक्त वत्सल तो है ही, शरणागत वत्सल भी है। भक्त वत्सल मतलब जो भक्त उनकी सेवा करते हैं, जो उनके ऊपर समर्पित हैं, उनके लिए भगवान जैसे माता पुत्र के लिए वात्सल्यता रखती है, ऐसे भगवान उनके लिए वात्सल्यता रखते हैं। और नाम है शरणागत वत्सल। हो सकता है कम से कम वो शरण लिया है उसको भी वात्सल्यता देते हैं। कोई बोल सकता है कि भगवान फिर भक्त वात्सल हैं, कैसे इस भक्त वात्सल्यता गुण को रखते हैं? तो फिर दूसरा गुण बताया गया है कि भगवान कृतज्ञ हैं। भगवान अपने भक्तों के किए हुए को याद रखते हैं। मैं एक भक्त से जब बृहद भागवतामृत की कथा सुन रहा था, बड़ा ही अच्छा दृष्टांत तो मुझे लगता है कि जब गोप कुमार वापस भगवत धाम जाता है तो भगवान स्वयं उसको आध्यात्मिक संसार के प्रवेश द्वार पर लेने के लिए जाते हैं, सारे गोप बालकों को लेकर, कि आज एक नया सखा वापस आ रहा है, बहुत दिन से बाहर था, उसको लेने के लिए जाते हैं। दोपहर का समय था, वो लोग गोचारण में बाहर थे, सब लोग आते हैं। और जैसे ही कृष्ण गोप कुमार को देखते हैं, कृष्ण गोप कुमार को आलिंगन करते हैं, गोप कुमार रोने लगता है, कृष्ण भी रोने लगते हैं और दोनों मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद चेतना आती है, गोप कुमार भगवान से प्रश्न पूछता है कि मैं आपसे दूर था, मैं आपको छोड़ करके इतना समय आपसे विद्वेष कर रहा था, और आज मैं आपकी प्राप्ति किया हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ, तो मेरा भावुक होना, मेरा रोना तो बनता है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? भगवान गोप कुमार को बोलते हैं, तुमने मुझ तक आने के लिए जितने कष्ट सहे हैं, जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो सब याद करके मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि तुमको मुझ तक आने को कठिन यात्रा करनी पड़ी। भगवान कृतज्ञ हैं। और कोई बोल सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति वात्सल्यता दिखाए, कृतज्ञता दिखाए, लेकिन उसके पास सक्षमता भी तो होनी चाहिए। मान लो किसी की सर्जरी होना है, ठंडा है, किसी की सर्जरी होना है और कोई होम्योपैथिक मेडिसिन दे तो उससे काम नहीं चलेगा। प्यार बहुत है लेकिन सामर्थ्यता भी होना चाहिए। भगवान के अंदर वो सामर्थ्यता भी है, इसलिए भगवान का एक नाम है समर्थ कृष्ण। वो समर्थ है मदद करने के लिए। गजेंद्र भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, भूरी करुणाय नमो अलाय। ये भगवान, आप भूरी करुणा तो करते ही हैं, लेकिन अलाय आपके अंदर आलस नहीं है, आप तुरंत तत्पर हैं, समर्थ हैं। मुक्ताय भूरी करुणाय नमो अलाय, आप मुक्त हैं। तो भगवान मदद करने के लिए सामर्थ्य है, समर्थ है।
और इसीलिए भक्तों के किए हुए हर कृत्य को भगवान स्मरण करके उनके लिए मानो पूर्ण रूप से बिक जाते हैं। ये भगवान का कृतित्व है, भगवान का कृतज्ञ भाव है अपने भक्तों के लिए। यहाँ पर प्रहलाद महाराज साक्षात उन भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान नृसिंहदेव को सामने देख रहे हैं, जो कि उनके लिए अवतार लिए हैं, उनके लिए हिरण्यकश्यप का वध किए हैं, एक विशेष रूप लेकर के सामने बैठे हुए हैं। और देवता गण भी जिनके पास नहीं जा रहे हैं, देवता गणों ने बोला कि पत्नी की बात तो सब सुनते हैं, माता लक्ष्मी को भेज देते हैं। माता लक्ष्मी के पास सारे देवता गए, बोले माता लक्ष्मी आप थोड़ा समझाइए, शांत कीजिए। बोलते हाँ हाँ, ऐसा थोड़े कोई करता है, बच्चों को कोई इस तरह डराता है क्या, मैं अभी जाती हूँ। माता लक्ष्मी तुरंत तैयार होके गई, जैसे नरसिंह देव के पास गई एक दहाड़ में माता लक्ष्मी भागी, बोले ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है ये तो कोई और है, हमारे वाले तो एकदम शांत सोते रहते, शांत का आरम्भ भुजग शयनम, एक तो अलग ही उग्र रूप में है। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद को आगे करते हैं, प्रहलाद आप ही शांत कर सकते, आपको लेने के, आपकी रक्षा के लिए भगवान आए। तब प्रहलाद महाराज ये सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं, भागवत की सारी प्रार्थनाएं बहुत सुंदर है, भागवत के प्राण वास्तव में प्रार्थना ही है। सामान्यतः जब कथा आती है तो हमको बड़ी रुचि आती है, प्रार्थना आती है तो नींद आने लगती है। मेरा ऐसा अनुभव था पहली बार जब प्रार्थना पढ़ी थी, विशेषतः दशम स्कंद में वेद की जो प्रार्थनाएं हैं इतनी लंबी हैं, मैं सोचता था ये कब खत्म होगा ये चैप्टर। लेकिन जब हम दूसरी बार तीसरी बार पढ़ते हैं, समझ में आता है कि वास्तव प्राण भागवत की प्रार्थनाओं में ही है। और इससे हमें समझ में आता है कि वो भक्त भगवान का इतना प्रिय बना कैसे, कैसे वो भक्त भगवान का इतना प्रिय, उनकी क्या मनोदशा रही होगी, उनकी क्या मनोभावना रही होगी जिसके कारण वो भगवान का इतना निकट बन गया। यहां प्रहलाद महाराज की कृतज्ञता दर्शित होती है। वो बोल रहे हैं भगवान आप मुझे दर्शन दिए हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके साथ चला जाऊंगा, मुझे मेरे गुरु की सेवा करना है, उनकी कृपा से मैं आपको प्राप्त किया हूं, तो मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। अगर वो आज मुझे अंधकूप से ना बचाते तो मैं भी सामान्य लोगों की तरह अंधकूप में पड़ा होता, भौतिक इंद्र तृप्ति में लगा होता। हम सबको ये विचार करना चाहिए, आज माला पहन करके यहाँ बैठा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन अगर गुरु वैष्णव स्वीकार ना करते तो हम भी किसी कंपनी में लगे होते और बॉस हमको गाली दे रहा होता। हम भी इंद्र तृप्ति में अभी भी लगे हैं, लेकिन प्रकृत रूप से उसको देख पाते। तो ये कृतज्ञता हम सबको महसूस करनी चाहिए, जो यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। हमने पहले दिन चर्चा की थी किस प्रकार ये कृतज्ञता हम गुरु कृष्ण के प्रति महसूस करें, अनुभव करें, स्मरण करें। कल हमने चर्चा किया किस प्रकार ये कृतज्ञता हमसे वरिष्ठों के प्रति और हमसे जो कनिष्ठ हैं, जो नए आए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता हो। कृतज्ञता की भावना से हम बहुत कुछ अपनी भक्ति में सीख सकते हैं। और भगवान किसको अपनी कृपा के पोस्टमैन बनाएंगे वो भी हम विचार नहीं कर सकते, भगवान किस द्वारा हम तक कृपा पहुंचाना चाहते हैं वो हम विचार नहीं कर सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद 1944 में भगवत दर्शन पत्रिका शुरू करते हैं, अकेले उसका संस्करण करते हैं, प्रकाशन करते हैं, वितरण भी करते हैं, बहुत कठिन प्रयास प्रभुपाद करते हैं। एक दिन एक रैंडम व्यक्ति उनको एक बात कर रहा है, ले आप पत्रिकाएं क्यों बांट रहे हैं, लोग पत्रिका पढ़ते हैं फेंक देते हैं, आपको अगर बांटना ही है तो आप पुस्तक बांटिए, पुस्तक प्रकाशन की, पुस्तक लोग रखते हैं। अब प्रभुपाद बोल सकते थे कि भाई तुम कौन, तुमको पता है हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आचार्य हैं, 32वां नंबर हमारा है। ऐसे प्रभुपाद ने नहीं बोला, प्रभुपाद उसको स्वीकार किया, मेरे गुरु महाराज का ये संकेत इसके द्वारा मुझे मिल रहा है। और फिर प्रभुपाद ने पुस्तक प्रकाशन शुरू की, पहली पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसके बाद लाइट ऑफ भागवत इत्यादि किताबों को लिखा।
उस सजेशन को ना लेते तो आज हमें पुस्तक नहीं मिलती, बैक टू गॉड ही चल रही होती। लेकिन प्रभुपाद ने उसको गुरु का कृपा पात्र माना। उसी तरह जो भी हमारे जीवन में घट रहा है वो कृष्ण हमें संकेत भेज रहे हैं, अलग 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 तरीके से हम तक पहुंचाते हैं। जैसे रामानुजाचार्य जब प्रथम बार बालाजी का दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में एक शूद्र से रास्ता पूछते हैं, रास्ता कहाँ है, शूद्र रास्ता बताते हैं यहाँ चले जाइए, तो साष्टांग दंडवत उसको प्रणाम करते हैं शिष्य लोग। ये उस समय पर काफ़ी वर्णाश्रम बड़ा स्ट्रिक्ट था, बोले आप सन्यासी हैं मतलब आश्रम में सर्वश्रेष्ठ, और ब्राह्मण हैं मतलब वर्ण में सर्वश्रेष्ठ, और इसको आप प्रणाम कर रहे हैं। बोले नहीं, ये मेरा गुरु है, ये मुझे पथ दिखा रहा है कृष्ण के पास जाने के लिए। कभी मान लीजिए आप मंदिर आ रहे हैं, कोई शराबी आपको दिखाएगा तो क्या वो हमें भगवान तक नहीं पहुंचा रहा है? तो किसके प्रति हमें कृतज्ञ होना है? वास्तव में हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना है। तो इसी तरह से ये कृतज्ञता का भाव जब हमारी चेतना से कम होता जाता है तब समस्याएं सारी आगे आती, फिर दोष प्रवृत्ति आती है, कृपा को भूल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे साथ वाले भक्त। साथ वाले भक्त जितना शुद्धिकरण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये शुद्धिकरण भी अच्छा शब्द है, नेगेटिव भी सोच सकते हैं पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। शुद्धिकरण कृपा से भी शुद्धिकरण होता है, कभी कभी रुला रुला के भी शुद्धिकरण होता है। तो साथ वाले भक्तों के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे एक हीरा हीरे को तराशता है, उसी तरह साथ के भक्त एक साथ समुदाय में रहते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा, साथ वाले भक्त एक और मदद करते हैं, वो हवा में आपको उड़ने नहीं देंगे, थोड़ा भी बैठ जाइए वो बता देंगे प्रभु जी नीचे आ जाओ। मैंने जिस दिन सारी प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना कंप्लीट की थी तो मैंने अपने एक मित्र को फोन लगाया, युगल श्याम प्रभु हैं पुणे में, मैं भी पुणे में ही था उस समय। मैंने उनको फोन लगाया, बोले प्रभु जी आज सारी प्रभुपाद पुस्तक पढ़ के खत्म हो गई। तो उन्होंने बोला तो क्या हो रहा है, सिर के आसपास के चक्र मंडरा रहा है क्या, दोबारा से पढ़ना शुरू करो। ये मित्र ही कर सकते हैं। वरिष्ठों के पास जाएंगे तो वो वेरी गुड ही देंगे, जूनियर्स को बताएंगे तो वो बोलेंगे अरे प्रभु जी आपने पूरी क्या बात है क्या बात है। मित्र ही बोलेंगे आ जाओ जमीन पे वापस। ये साथ वाले भक्तों की विशेषता है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं 20% संग व्यक्ति को आप ऊपर बैठे, 20% संग व्यक्ति को अपने से वरिष्ठों से करना चाहिए, 20% अपने से जूनियर्स को संग देना चाहिए, और 60% साथ वाले भक्तों के साथ रहना चाहिए। तभी होगा बोधयंतः परस्परम, मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयंतः परस्परम। ये बोधयंतः परस्परम वरिष्ठों के साथ कम है क्योंकि वो बोलेंगे आप सुनेंगे, आप प्रश्न करेंगे वो उत्तर देंगे। जूनियर्स के साथ आप बोलेंगे वो सुनेंगे, लेकिन बोधयंतः परस्परम मतलब हार्ट शेयरिंग कृष्णा शेयरिंग वो संभव है साथ वाले भक्तों से। अब कोई बोलेगा साथ वाले भक्त मतलब, जय पताक स्वामी महाराज एक कॉन्ग्रीगेशन मीटिंग में बोल रहे थे 10 साल प्लस माइनस साथ वाले हैं, 10 साल भक्ति में पहले आए या बाद में आए 10 साल के आसपास वाले साथ वाले मान सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरा इनिशिएशन 15 मिनट पहले हुआ तो मैं तो सीनियर हो गया, ऐसा नहीं है। 10 साल ऊपर नीचे साथ वाले ही भक्त हैं, एक साथ बैठ करके कृष्ण कथा चर्चा करना चाहिए। और ये साथ वाले भक्त आपका जिस तरह फॉलो अप ले सकते हैं, सीनियर्स भी नहीं ले सकते। सीनियर्स कई बार हिचकिचाते हैं, अरे इसको एक बार पूछा दो बार पूछा, शरणागति अगर पूरी नहीं है तो बेचारे बार बार नहीं बोलते हैं। लेकिन एक दिन नहीं आएंगे साथ वाले बोलेंगे कहाँ थे भागवत में कहाँ थे। मुझे मैसेज आता है कई बार, मेरी सुबह भक्ति शास्त्री क्लास रहती है 6 से 8, तो मैं कभी गुरु पूजा में नहीं जा पाता हूँ या क्लास में नहीं जाता हूँ, तो हमारे जो मित्र हैं कृष्ण मुकुंदपुर विश्वान तो तुरंत मैसेज होते कहाँ हो क्लास क्यों डुबा रहे हो। बोलता अभी अभी फ्री हुआ, तो आ गया ना फ्री हो गया ना आ जाओ अभी।
साथ वाले भक्त वो संतुलन रखते हैं। तभी मैं भक्तों से सुनना चाहता हूँ, साथ वाले भक्तों के प्रति कृतज्ञता कैसे रखें, उसको रखने से क्या बेनिफिट हमको और मिल सकते हैं, भक्त लोग बता सकते हैं। इधर हनुमान जी रेडी हैं माइक के साथ। साथ वाले भक्तों के साथ कृतज्ञता कैसे ज्ञापित कर, कैसे क्यों रखना है, क्या फायदे हैं इस सामने। कोई भी अकेले प्रैक्टिस नहीं करता था, सब लोग साथ में कोई डिवोटी होते थे जो कहते थे ठाकुर के साथ में थे, श्रीनिवास आचार्य। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं तो हमारे लाइफ में भी ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत नेसेसरी है, इनके से प्रति गेटवे होना बहुत नेसेसरी, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा नज़दीकी से समझ सकते हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जितना हमारे शायद भविष्य में खुद जानते होंगे उतना उससे ज़्यादा अच्छे से हमारे यहाँ पर। देखिए सामान्यतः हमारे जो चेतना है बाहर की तरफ बाहर आई है, हमारा ध्यान बार बार माया की तरफ जाता है, तो जब साथ के भक्त होते हैं तो वही पोषण हमको भक्त संगति में मिल जाता है, तो हम बाहर नहीं जाते अपनी इंद्र तृप्ति करने, मनोरंजन करने। तो ये साथ वाले भक्त उस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, एक मित्र हमको मिल जाते हैं। और कैसे मित्र, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। इस तरह मित्रता मिलना बहुत बहुत रेयर है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके ऐसे मित्र होंगे जो स्कूल में भी साथ में थे, कॉलेज में भी साथ में थे, अभी भी साथ में, बहुत कम होते हैं ऐसे, जैसे सीताराम प्रभु, राधाचरण प्रभु बहुत कम एग्जांपल ऐसे होते हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसी मित्रता इस तरह की और उनका अधिकार भी है, वो अधिकार से हमको डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, जो कि बाकी लोग शायद संकोच करें। तो ये मित्रता हमारे अनर्थ का, जैसे प्रभु बता रहे हैं, हमारी कमियों को, हमारे चैलेंजेस को समझते हैं। और हो सकता है कई बार वरिष्ठ उनसे सलाह करें कि अच्छा ये भक्त की ये समस्या चल रही है, आप तो उनके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, तो आप हमको मदद कीजिए कि हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, आप समझाइए कि हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मित्रों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, अभिनय होता है हमारे कृष्ण भक्ति में। यस एक्चुअली हम साथ वाले भक्तों के साथ में रियल और नेचुरल हो, फॉर द जूनियर वी आर लाइक अ हो, मुझे अपनी इमेज मेंटेन करनी है, इसीलिए जब मुझे अपनी इमेज मेंटेन करनी है, मुझे सामने वो आई वेरी नाइस, आई वेरी नाइस स्पीच स्टोरी एंड जस्ट एक शो कर देते हैं, साथ वाले साथ में रूल रहना है आर्टिफिशियल पैकअप से चलेंगे हम लोग। सेकेंडली ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कितना लाइट किसी को देते हैं, और बराबर वाले को गाइड करने नहीं हो जाते तो कोई लाइट नहीं है, रिलीजन में हार करते हैं मान के बच्चे की नेचुरल वे में हमारा एक आदत पड़ जाती है कि भाई दिमाग नहीं चल रहा है क्या करना, बड़ों से कुछ ना कुछ संकोच आता है, फोटो में कह नहीं सकते, उनकी सीमा नहीं होती इस प्रकार की, तो साथ वाले भक्त ही अच्छे से उनको अगर छोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, हमारी कमजोरियों को हमें पोटेंशियल छोड़ी और उसके साथ हम लोग का दूसरे लोग गाइड करते हैं, एक दूसरे का किरदार बनाते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेचुरल फॉर्म, क्योंकि कई बार सामान्यतः अधिकांश बार हम लोग भक्ति में प्रयास ही तो कर रहे हैं, तो हम वो नहीं है वास्तव में जो हम हैं, बाहर से हम लोग बहुत विनम्र हैं लेकिन अंदर वित्रासुर है तो इसीलिए जो साथ वाले भक्त हैं उनके सामने हम प्राकृत रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, और वो हमको मदद कर पाते हैं उन अनर्थों से आगे बढ़ने के लिए। इसलिए अगर वास्तव में किसी को परीक्षा करनी है कि वो कितना अच्छा भक्त है, तो साथ वालों का ओपिनियन लेना चाहिए, उनका ओपिनियन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बता सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, कितने अनर्थों से जूझ रहे हैं, और कई बार उनकी शरणागति देख करके हमको ज़्यादा इंस्पिरेशन आती है, क्योंकि सीनियर्स को हम अलग बकेट में रख देते हैं, अरे ये तो सीनियर हैं, समर्पित हैं, जूनियर्स को हम अलग बकेट में रख देते हैं, वो कल हम चर्चा कर रहे थे कि नया नया है, ज़्यादा उत्साह है, देखते हैं कितने दिन करेगा
लेकिन साथ वालों के साथ हम वास्तव में इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इनकी शरणागति इतनी है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनके साथ भी वही समस्याएं हैं, इनके साथ भी वही शारीरिक स्थिति है, इनकी भी अथॉरिटी सेम है, इनको भी वही प्रवचन मिल रहे हैं, इनको भी वही नरिशमेंट मिल रहा है जो हमको मिल रहा है, फिर इनकी शरणागति इतनी कैसे बढ़ रही है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? जब चैतन्य महाप्रभु से जगदानंद पंडित ने पूछा कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है जाओ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं रहना और सनातन गोस्वामी की संगति में रहना। दोनों ही महाप्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन महाप्रभु को पता है कि संगति में रहने से सुरक्षित रहेंगे। जगदानंद पंडित आते हैं, सनातन गोस्वामी के साथ रहते हैं। अब सनातन गोस्वामी क्या पीपल पीपल थे, इधर उधर घूमते थे, किसी किसान के साथ बात करते थे, कभी किसी से बात करते थे, उनका उनका स्वभाव उस तरह था। तो एक दिन किसी व्यक्ति ने उनको एक लाल कपड़ा सिर पे बांध दिया बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि ब्रजवासी उनको अपना परिवार का व्यक्ति ही मानते थे। अब वो कपड़ा सर पे बंधा हुआ है, वो जब वापस आए, जगदानंद पंडित खूब गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, बोले आप ये लाल कपड़ा पहने हुए हो, आपको पता नहीं ये मायावादी पहनते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पित नहीं है, आप परंपरा के उद्देश्य से भटक रहे हैं। सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, वो जानते हैं उन्होंने क्यों बांधा है, लेकिन क्यों प्रसन्न हुए, जगदानंद पंडित की चैतन्य महाप्रभु के प्रति शरणागति देख करके प्रसन्न हुए, उनकी लॉयल्टी देख करके प्रसन्न हुए। और वो शिक्षणीय थी, वो उन्होंने शिक्षा ली उनसे, उनके लिए वो एक प्रेरणा बने। तो साथ वाले भक्त कई बार ऐसी बातें कर देंगे कि जो हमारे लिए ज्यादा प्रेरणास्प्रद होगा, हमें सब पता है, लेकिन जब साथ वाला भक्त ज्यादा शरणागत होता है तब उनको लगता है कि अरे हम भी कर सकते हैं। इट इज ए पॉजिटिव मोटिवेशन। और कोई भक्त कहां जैसे जननिवास प्रभु और पंकज आंगरी प्रभु, वो दोनों जुड़वा भाई हैं, एक साथ हमेशा रहे, लेकिन हमेशा पंकज आंगरी प्रभु का भाव रहता है कि जननिवास प्रभु उनके शिक्षा गुरु तुल्य, वो हमेशा वैसे ही रहते थे, उनको उसी तरह गुरु रूप में देखते थे। यद्यपि साथ में पले बड़े सब करे, लेकिन एक वैष्णवों के बीच में सम्मान हमेशा रहना चाहिए। साथ वाले इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, वो सम्मान की दृष्टि फिर भी होना चाहिए। वैष्णवता के सारे संबंध सम्मान के हैं, चाहे जूनियर्स के प्रति हो, साथ वालों के लिए हो, चाहे वरिष्ठों के लिए हो। कई बार हम जो सोच रहे हैं वो साथ वालों को बताने के लिए ज्यादा सहज होता है, उनको हम इजीली बता सकते हैं, वरिष्ठों को बताने में कई बार ज्यादा संकोच होता है। यस। तो जब भी कलावती को कोई नहीं देखता तो मुझसे पूछता है कलावती कहाँ है, तो मैं सोचती हूँ वो भगवतधाम जाएगी तो भगवान पूछेगी उससे जानी कहाँ है उसको। तो ऐसे जब एक यूनिट बन जाते हैं हम फ्रेंड्स के साथ में, तो वो हम एक हो जाते हैं, और सेवा में भी और सब जगह में यूनिट बन जाते। चंद्रमौली स्वामी महाराज एक दिन बता रहे थे, बोले वो जब भी भक्ति चारू स्वामी महाराज से मिलते थे, गुरु महाराज उनको एक ही क्वेश्चन पूछते थे, राधानाथ महाराज कहाँ है। तो जब भी वो मायापुर जाते थे तो पहले वो पता करके रखते थे कि राधानाथ महाराज कहाँ है, क्योंकि उनको पता है कि महाराज ने प्रश्न पूछे। तो ये बीच में मैत्री संबंधों से हम एक 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 साथ एक ग्रुप के रूप से बन जाते हैं, और भगवान उस मैत्री को देख के प्रसन्न होते हैं। प्रचेताओं को उदाहरण, प्रचेताओं के क्या अलग अलग नाम थे ये भी नहीं है, एक ही नाम, नाम भी एक ही है प्रचेता। तो उस प्रकार से भगवान ये मैत्रीपूर्ण संबंध देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। और कोई
माताओं में यस जैसे कई बार मैं जब सेवा में जाता था गुरु महाराज के साथ और पर्सनल सर्वेंट से इंटरेक्शन करता था, जो अलग अलग सन्यासी इसके पर्सनल सर्वेंट हैं, उन सब के जीवन में एक बात कॉमन मैंने ऑब्जर्व की है कि वो सब अकेले रहते हैं। अब अपने अपने जिनको भी को सर्व कर रहे हैं उनके साथ दिन भर तो बात करी नहीं, बात का तो स्कोप ही कम है, उनको अलग रहना है, जब बुलाएंगे जब सेवा करना है, तो उनको साथ वाले भक्तों का संग नहीं मिल पाता। और अधिकांश भक्तों से जिनसे मैंने इंटरेक्शन किया, मैंने पूछा आपके चैलेंजेस क्या हैं, बोले सबसे बड़ा चैलेंज है कि साथ के भक्त हमको नहीं मिल पा रहे। ज़्यादा लंबे समय तक पर्सनल सर्वेंट टिक नहीं पाते हैं सेवा में। मंदिरों में क्यों टिक जाते हैं? क्योंकि साथ वाले भक्त हैं। भक्ति बृहद भागवत महाराज एक बार बच्चों ने बता रहे थे, वो बोल रहे थे कि वो एक ऐसी कमिटी में थे जो फॉल डाउन्स के ऊपर उनको रिपोर्ट बनानी थी, जितने भी फॉल डाउन्स हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी ये सेवा थी। तो उन्होंने एक कॉमन बात उसमें ऑब्जर्व की कि जितने भी लोगों को आध्यात्मिक समस्याएं हुई हैं उनमें एक कॉमन बात यह है कि उनके जीवन में कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था। टॉप पे तो जाते जाते हैं हम, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा काउंसलिंग बढ़ते जाएंगे, लोग सुनते जाएंगे, सम्मान करते जाएंगे, लेकिन सम्मान से ज्यादा बड़ा है प्रेम। दुर्योधन को लोग सम्मान करते थे, जब दुर्योधन राज्य में जाता था सभी लोग प्रसन्न थे दुर्योधन से, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति की इच्छा होती थी दुर्योधन पूरी करवा देता था, दुर्योधन से कोई परेशान नहीं थी प्रजा। दुर्योधन को लोग सम्मान करते थे लेकिन युधिष्ठिर को लोग प्रेम करते थे, ये अंतर है। यस न्यूट्रिशन के लिए मैं खुद सीरियस और सोचता हूँ, मुझे सुनकर बड़ा खुश हूँ, सबसे मिलता है पोषण मिल जाता है, क्योंकि जो फैंसी है वो एक्चुअली कलीग्स पियर से कर पाते हैं। और मैं एक इस बारे में आपको कहना कहना चाहूँगा कि ये कोई जरूरी नहीं, जैसे 10 साल कम ज़्यादा पढ़ाई किया हो तो सही बारे में बहुत अच्छा होगा, कि यहाँ उनका प्रतिबंध भी नहीं है। जैसे मैं अपनी जीवन बताना होगा रुचि प्रोफेशनल वेरी साउंड मैं प्रभु जी बोल रहे हैं 10 साल का बैरियर भी हटा दो। जैसे सुखदेव गोस्वामी को सारे ऋषि मुनि सम्मान कर रहे हैं, तमाल कृष्ण महाराज के साथ जब गुरु महाराज को सेवा मिली थी तो वो तो एकदम छोटे भाई की तरह उनके साथ रहते थे, जो जो तमाल कृष्ण महाराज बोलते थे वो काम करते थे। कुछ सालों बाद तमाल कृष्ण महाराज को पता पड़ा कि गुरु महाराज की उम्र उनसे 1 साल बड़ी है, तो उस दिन तमाल कृष्ण महाराज उनको बोले सॉरी मैं आपको डांट रहा था, मैं आपको ऐसा बोल रहा था, आप तो मेरे से बड़े हैं। लेकिन वो रोल कभी हुआ ही नहीं, गुरु महाराज ने बोला नहीं आप मेरे से बड़े हैं, बड़े भाई के जैसे ही रहेंगे। तो फिर जीवन पर्यंत वही रोल रहा, वो बड़े के जैसे ही ऐड किए, छोटे के जैसे ही ऐड किए। तो वास्तव में उम्र का कोई बैरियर है नहीं, डिपेंड करता है आपकी रिलेशनशिप उसके साथ कैसी है। जैसे कई बार पत्नी पति पुत्र पिता या भाई भैया और दूसरे लोग भी ऐसे कई बार वो होते हैं कि जो वहाँ पे प्लेयर्स का एक ही रोल प्ले कर पाते हैं, कंसल्टेशन में बहुत सारे मैं सोच ही रहा था हितेश को कुछ बोल नहीं रहे हैं। मान लो आप गुरु पूजा में अकेले खड़े हो और सब सीनियर हैं तो उतना उत्साह नहीं आएगा, लेकिन साथ वाले जब रहते हैं साथ में डांस कर रहे हैं तो आपको उत्साह आएगा। सर यात्रा का प्रभु उदाहरण दे रहे हैं।
हो सकता है कि कोई बहुत वरिष्ठ लोगों की यात्रा में आप जाएंगे, दो तीन दिन से ज़्यादा मन नहीं लगेगा, लेकिन साथ वाले भक्तों के साथ उत्साह रहता है, कब समय निकल जाता है पता नहीं पड़ता है, प्रेरणास्प्रद रहता है। और कोई? यस। वो भक्त आपके घर पे फिर आ जाएंगे पूछने के लिए कि क्या चल रहा है माता जी, बहुत दिन से दिख नहीं रहे हैं। इन सब की बात, ये सब बात सोचते हुए एक और बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड इज नॉट कंडीशनल। ठीक है, वरिष्ठों के लिए हमारा ग्रैटिट्यूड है, हमने बहुत सारे पॉइंट चर्चा किए, जूनियर्स के लिए हमारा ग्रैटिट्यूड है, साथ वालों के लिए, लेकिन उनके साथ साथ इट नीड नॉट टू बी कंडीशनल। कई बार हम जप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भक्त रैंडम जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, वो आके साथ में जप करता है और उसको देख करके हमको प्रेरणा आ जाती है, हम उसको जानते नहीं, उसका नाम नहीं पता, उससे कोई संबंध नहीं है, वो सीनियर है, जूनियर है, इक्वल है, क्या है, तो भी हम कृतज्ञता का भाव उसके लिए रख सकते हैं। जैसे हम पहले दिन चर्चा कर रहे थे, जिसने ये रोड बनाई है, मंदिर बनाया है, हर व्यक्ति का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ, हमारे जीवन में उनका कंट्रीब्यूशन है, तो हम उनको याद करके भी उनके लिए कृतज्ञ रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो हमारे फ्रेम ऑफ कॉन्टेक्ट्स में हो, वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं जो महान व्यक्तित्व हैं, जो हमारे सन्यासी गण हैं, गुरुजन हैं, कई बार देखा हूँ लिफ्ट मैन को थैंक यू बोलते हैं, ट्रैफिक में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको थैंक यू बोलते हैं, मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड को थैंक यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनका कुछ उनसे संबंध नहीं है, लेकिन उनकी सेवा, दे आर नोटिसिंग दैट। अच्छा, वो कब पता पड़ता है? जब वो नहीं होते हैं। जैसे आप सब मल्टीज में ही रहते हैं, जिस दिन पानी बंद हो जाता है तब आप ढूंढते हैं किसकी जिम्मेदारी थी, डेली कौन ढूंढता है? जिस दिन लाइट बंद हो जाती है, जैसे अभी हमारे मंदिर में 30 तारीख को पूरे दिन के लिए फॉल्ट हो गया था, लाइट नहीं, उस दिन सब फोन लगा रहे थे कि लाइट की जिम्मेदारी किसकी थी, जनरेटर की जिम्मेदारी किसकी थी, हमने तो 15 साल में पूछा नहीं कभी। आज क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है। तो अगर ये कृतज्ञता पहले से ही आ जाए तो वी कैन अप्रिशिएट इस प्रेजेंस, और उसका उत्साह कितना बढ़ जाएगा भक्ति में, हमारी कृतज्ञता बढ़ेगी और उसका उत्साह बढ़ेगा। ये कृतज्ञता का भी एक लक्षण है। और इसके साथ में कृतज्ञता उन दोषों से हमको ऊपर ले जाती है जो दोष प्रवृत्ति हम रोज में देखते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि इस कृतज्ञता का गलत इस्तेमाल भी ना हो। कई बार जो हम सिद्धांत सुनते हैं हमको लगता है ये दूसरों के लिए है, ये भी गलत है। हम कृतज्ञ हृदय से रहेंगे, लेकिन हमें यह अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों को अपना करा याद दिलाते रहे, है ना। सामान्य भाषा में है, नेकी कर दरिया में डाल। राधानाथ स्वामी महाराज भी बोलते हैं कि दो चीजें आपको भूल जानी चाहिए, आपने दूसरों के लिए क्या किया है उसको भूल जाइए, जो आपने अच्छा दूसरों के लिए किया है, और दूसरों ने आपके लिए जो बुरा किया है वो आप भूल जाइए, नहीं तो कभी इस भौतिक जगत में संतुष्ट नहीं रह सकते। तो जितना हम दूसरों के लिए कर रहे हैं उसके लिए कृतज्ञता की आशा नहीं रखना, क्योंकि उससे क्या होता है, हम जब किसी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हम उनके सद्गुण ले लेते हैं, लेकिन जब हम किसी से कृतज्ञता की आशा करते हैं तो हम अपने सद्गुण खो देते हैं। इसलिए दूसरों से कृतज्ञता की आशा नहीं करना चाहिए, दिस इज मिसयूज ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितना ज्यादा हम अपेक्षा रखेंगे हम खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि अपेक्षाओं का कोई अंत तो है नहीं। कोई व्यक्ति कई बार, जैसे सभी प्रचारक हैं, आप सब कहीं कहीं प्रचार करने जाते ही हैं, लोग आपको इंट्रोडक्शन देते होंगे, तो कोई एक चीज मिस कर देता है तो भी आपको बुरा लगता होगा, कह रहे मैं तो ये भी करता हूं, ये क्यों नहीं बोला, उसने 15 दूसरे पॉइंट बोले वो याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट दूसरा बोल देगा वो याद नहीं, क्योंकि अपेक्षा अब आ गई। वैष्णव तो वो अपेक्षा नहीं रखते हैं, उस अपेक्षाओं से दूर रहना चाहिए और अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि जितने भी संबंध हमारे हैं कम से कम न्यूट्रल लेवल पर हो, कम से कम न्यूट्रल लेवल, कभी भी वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव मतलब कम्युनिकेशन बंद हो जाना, कृतज्ञता एक दूसरे के प्रति इतना हम भूल गए हैं, दोष प्रवृत्ति इतनी ऊपर आ गई है कि हम एक दूसरे को देख ही नहीं सकते हैं,
हमने अपने अनुभव में भी देखा है, कई बार कुछ मीटिंग्स होती थी मंदिर में, और जब दो भक्तों के बीच में संबंध अच्छा नहीं होता था तो अगर एक आता था तो दूसरा देख करके वापस चला जाता था। मंदिर में तो ये सुविधा है, सब साथ में ही रहते हैं, तो वो देख लेता था देवर दरवाजे से, अच्छा वो बैठा है मैं नहीं आऊँगा, ऐसा होता है। लेकिन कम से कम प्रयास करिए उसके अच्छे गुणों को याद करके कम से कम उसको न्यूट्रल लेवल पे लेके आइए, फिर पॉजिटिव जाएगा वो भगवान की इच्छा है, कम से कम उसको न्यूट्रल पे लेके आना है। बातचीत कभी बंद नहीं होना चाहिए, जैसे भगवान राम और सीता कभी कभी आपस में उनकी लड़ाई हो जाती थी, राम और सीता के बीच में भी लड़ाई हो जाती थी तो बातचीत बंद हो जाती थी। अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो क्या करें क्या करें, कुछ तो पहल होनी चाहिए। तो भगवान राम क्या करते थे, उनके हाथ में एक अंगूठी थी, जो अंगूठी दशरथ जनक महाराज ने दी थी, तो वो अंगूठी उतार करके ऐसे सामने रखते थे। अब घूमते फिरते जब सीता आती है उस अंगूठी, अरे मेरे पिता की दी हुई अंगूठी क्यों निकाली, पहनो फटाफट, बस बातचीत शुरू हो जाती। एक बहाना चाहिए बस, एक पहल करना है बस, किसी भी माध्यम से हो। हम 15 साल 20 साल 25 साल पहले की भी बात याद करके कृतज्ञ रह सकते हैं, और एक पहल हम शुरू कर दें, एक कम्युनिकेशन शुरू कर दें, बस समाधान अपने आप होता है। हम भगवान को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं हमारी समस्या का समाधान करने के लिए, भगवान हस्तक्षेप तो तभी करेंगे जब हम साथ में आएंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ बहाने से मंदिर में हम ऐसा करते हैं, जब कोई दो भक्तों का हमको पता पड़ता है इनका कुछ नरम गरम चल रहा है तो डांस के समय हम एक दोनों को धक्का दे देते हैं सर्कल के बीच में, तो अब सबके सामने क्या करें, बीच में धक्का दे दिया तो दोनों बेचारे हाथ पकड़ के थोड़ा गोल गोल घूमते हैं, बस रिलेशन सही हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि कैसे हम अपने बीच के संबंधों को सुधारें। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हो सकता है हमारी कृतज्ञता किसी के लिए असीम हो लेकिन वो कृतज्ञता को व्यक्त भी समय काल परिस्थिति देख के करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा मैं पहले दिन भी बता रहा था, अति प्रशंसा भी निंदा होती है। कई बार हम इतने भावुक हो जाते हैं, इतने हरे कृतज्ञ प्रभु जी आप सब, उनके साथ वाले भक्तों के सामने बोल रहे हैं तो उनके साथ वाले भक्तों को कैसा फील होगा, वो क्या अपराध नहीं है? या हो सकता है उनसे वरिष्ठ उनके सामने खड़े हैं। से कई बार हम गुरु महाराज के साथ जब जाते थे तो जो प्रचारक के काउंसिल होते थे वो उनको ग्लोरीफाई करते थे, क्योंकि ठीक है किसी हद तक, लेकिन जो अति प्रशंसा करने लगते थे तो वो एक अटपटा सा लगता है, ये मर्यादा नहीं है, ये वैष्णव मर्यादा नहीं है। तो वो भी थोड़ा देखना चाहिए, समय काल परिस्थिति देखते हुए बोलना चाहिए। जैसे सबको पता है सबके हृदय में अपने गुरु सबको बेस्ट लगते हैं, उसके लिए कृतज्ञता भी है, लेकिन क्या हम चलते फिरते अपने गुरु का ही बखान करते रहेंगे? हो सकता है दूसरे गुरु भी हैं, दूसरे गुरु के शिष्य भी हैं, फिर उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनके लिए कृतज्ञ नहीं हैं। तो ये बैलेंस भी रखना है, कृतज्ञता हृदय में हो, इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सामान्यतः हम लोग जितने भी अपराध करते हैं उनका ये एंटीडोट है एप्रिशिएशन, तो जितने ज़्यादा भक्तों का एप्रिशिएशन कर सकें उतना करना चाहिए, फिर वो कनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे एक भक्त से मैं बात कर रहा था, वो बोले प्रभु कहाँ है, मैंने कहा कौन से प्रभु, बोले प्रभु तो एक ही है, मैंने कहा कौन से प्रभु, बोले मेरे प्रभु प्रभु है। तो मैंने कहा आपने चैतन्य चरितामृत का वाक्य शायद ज़्यादा सीरियस लिया, उसमें लिखा है ना एक महाप्रभु और प्रभु दो ही गण, तो एक ही महा एक ही प्रभु है, बाकी प्रभु नहीं है। बोले नहीं प्रभु, मैं तो एक ही प्रभु को मानता हूँ। तो ये कनिष्ठ स्तर है, ये बचकाना स्तर है, ऐसा नहीं है कि एक ही भक्त मैं इनको ही अप्रिशिएट करता हूँ, इन्हीं के लिए मैं ग्रेटिट्यूड रखता हूँ, तो बाकी लोगों से मेरा क्या लेना देना। इससे हम हमारे समुदाय में और ग्रुप्स बना लेंगे, छोटे छोटे अलग अलग अंग भंग हो जाएंगे। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से उस कृतज्ञता को हम ज्ञापित करें, और उसी से हम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद का अंतिम आदेश क्या है, रोज हमको जैसे दर्शनाओं प्रात दोहराते हैं वैसे दोहराना चाहिए। क्या है अंतिम आदेश प्रभुपाद का, योर लव फॉर मी विल बी शोन हाउ यू कॉपरेट विथ ईच अदर आफ्टर आई एम गॉन। बहुत महत्वपूर्ण आदेश। कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंत में ऐसी कुछ बात करता है जो सबसे महत्वपूर्ण हो,
लोग विल लिख के जाते हैं, कोई अपनी अंतिम इच्छा बता के जाते हैं, और उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो प्रभुपाद इस वाक्य को बोल के गए, मतलब प्रभुपाद की सबसे प्रथम अपेक्षा हमसे है कि हम साथ में समन्वय बिठा के चलें। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि मंदिरों की वृद्धि करो। आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भी देखेंगे, अंतिम शब्द जो उन्होंने अपने भक्तों को बोले हैं उसमें यही बात बोले हैं कि इतनी मेहनत से एक एक गौड़ीय भक्त बना है, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करो। तो ये आचार्य लोग अंतिम समय में शिक्षा देके क्यों गए? क्योंकि कलयुग में कॉपरेशन करना सबसे बड़ी तपस्या है। लोग बोलते हैं प्रभु जी ऑस्टेरिटी करना चाहिए, ऑस्टेरिटी करना चाहिए। क्या ऑस्टेरिटी करना चाहिए? सबके साथ अच्छे रह लो, वही ऑस्टेरिटी है। सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी है कॉपरेशन। और ये कॉपरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम दूसरों की स्थिति को भी समझें। सक्सेस हैज मल्टीपल डेफिनेशंस। ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से जो अच्छा है वही अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जैसे पुस्तक वितरक सोचते हैं कि पुस्तक वितरण ही सबसे बड़ी सेवा है। जो भागवत कथा करते हैं उनको लगता है भागवत कथा ही सबसे बड़ी सेवा है। विग्रह पूजा जो करते हैं उनको लगता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ है ही नहीं। मंदिर में जब महोत्सव इत्यादि का आयोजन करना होता है, बड़ी बड़ी लिस्टें होती हैं, जैसे SPMF फेस्टिवल है, प्रभुपाद मेमोरियल, तो हमको कई वॉलंटियर्स को अलग अलग सेवा देनी पड़ती है। तो हर व्यक्ति फोन लगा के यही बोलता है कि प्रभु जी आपको पता नहीं है ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण है फेस्टिवल में। मैं उनको बोलता हूँ 15 फोन पहले ऐसे ही आए थे, थोड़ा रुको, दूसरा भी कुछ कर रहा है। लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। कोट्स हैं प्रभुपाद के, कोट्स हैं उनके पास, शास्त्रों के श्लोक हैं, सब कुछ है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब में प्रधान, अगर हम बोले हमारे इस्कॉन का प्रभास सूत्र है, इफ यू लव मी कॉपरेट विद ईच अदर, इन सब में सबसे प्रथम कैटेगरी में यह सूत्र आएगा। और ये तभी संभव है जब दूसरों की सफलताओं को अप्रिशिएट करें। कोई भक्त जप कर रहा है वो भी सफलता हो सकती है, क्योंकि किस परिस्थिति में कर रहा है वो देखना चाहिए। कोई मंदिर आ रहा है वो भी सफलता हो सकती है, कोई प्रचार कर रहा है वो भी सफलता है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है वो भी सफलता है, हर वस्तु सफलता है। उस तरह से अगर हम समन्वय बिठा करके चलेंगे तो समुदाय इतना इतना आनंदपूर्ण हो जाएगा कि हजारों हजारों भक्त इस समुदाय में जुड़ने लगेंगे। केवल एक अच्छा वातावरण हमको सृष्टि करना है, जो हर भक्त दूसरों को अप्रिशिएट करे। तो हमने बहुत थ्योरी चर्चा की, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक प्रैक्टिकल करने के लिए। आप सबको एक पेपर और पेन दिया जाएगा, जिनके पास है उनको देंगे, जिनके पास नहीं उनको देंगे। आपको 5 भक्तों के नाम लिखने हैं, हो सकता है आप ज़्यादा भी लिखें, लेकिन 5 ही लिखिए अभी। 5 भक्तों के नाम लिखने हैं और ये लिखना है कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। 5 भक्तों के नाम लिखने हैं और इट शुड बी स्पेसिफिक कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। प्रसन्नता ग्लोरिफिकेशन नहीं। मान लीजिए आप बोले हनुमान जी बहुत अच्छे भक्त हैं, वो ठीक है, आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं? ये बात आपके जीवन में उनका क्या उपयोग है, क्या आप उनके जीवन में क्या आपका महत्व है, क्यों आप उनके लिए समर्पित होना है, कृतज्ञ होना है? वो साथ वाले हो सकते हैं, वो वरिष्ठ हो सकते हैं, वो जूनियर हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, इसी समुदाय से लिखना है। ऐसा नहीं 200 किलोमीटर दूर का भक्त बहुत, वो तो सभी अच्छे लगते हैं, दूर के भक्त सब अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे समुदाय के 5 भक्त जिनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। असंख्य भक्त हो सकते हैं, लेकिन 5 बेस्ट लिखिए। 5 मिनट का टाइम है और लिखिए, ऐसा नहीं मैं मन में सोच लूंगा, लिखिए, हाथ से लिखिए, उनके नाम लिखिए और उसमें लिखिए आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। मोबाइल में ओके, मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, एक नोटिफिकेशन से फिर आप उधर चले जाएंगे। पेपर पेन में बेस्ट है।
15 सेकेंड कृष्ण। लिख लिया सबने? किस किस को और समय चाहिए? ओके ठीक है, आधा मिनट और। हरे कृष्णा। आप लोग इतना लिख रहे हो, या तो दो संभावनाएं हो सकती है, या तो बहुत ग्रेटिट्यूड है जो लिखते जा रहे हैं, या फिर पेन पकड़ के सोच रहे हैं कि क्या लिखे। मैं सोच रहा हूँ पहला ही होगा। हरी हरी। कौन तैयार है? ओके तो हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन कंडीशन एक है, जो भक्त का नाम एक बार बोल जाएगा फिर उसका नाम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आप सब इतने सारे भक्त हैं, पांच पांच तो भक्तों के नाम लिखे ही हैं, तो बहुत सारे भक्तों के नाम लिखे होंगे, तो एक भक्त का जो पहले नाम बोल देगा
फिर वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे? हनुमान प्रभु माइक पीछे। एक एक भक्त का नाम कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए आपकी लिस्ट में से, एक का ही बताइए। हाँ, पंकज प्रभु है, उनको पंकज प्रभु कहाँ है? ओके, पंकज प्रभु ये मुझे इसके मेरी थोड़ी कुछ कमजोरियाँ हैं सवेरे उठने की, वेरी ग्रेटफुल टू हिम। वो अलार्म की तरह मुझे रोज सवेरे 5:30 जैसे मंगला पूरी होती है वो मुझे फोन करते हैं, प्रभु जीव जागो जीव जागो। हरि बोल। कभी कभी उठा लेता हूँ। दिस द परफेक्ट वे टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। तो बाकी लोग भी देख सकते हैं, इस तरह ही बोलना है। यस, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, हाँ, इक्वल राइट्स। मैं तो उधर माइक दे दीजिए। ठीक है, ओके, यस। सबसे बड़ा योगदान है समय देना। हमें किसी ने समय दिया है, हम दूसरों को समय दें, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। यस, माताओं सर दो करना पड़ेगा ना, फिर इक्वल करने। ठीक है, प्रभु की तरफ से। हितेश प्रभु, शैलेश प्रभु इतने इंटेलिजेंट है, ऑफिस भी साथ में बनाया है, साथ में भागवतम पढ़ सकते हैं। माता जी, मैं बाबा माता जी से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं जब भी बोलती हूँ कि मुझे जाना है जल्दी, तो तुरंत मुझे अपना समय निकाल कर मुझे घर आती है। कभी मेरे प्रभु जी मना भी करते हैं ना, तो मैं बाबा माता जी से मैं प्रेम करती हूँ, तो वो तुरंत अपना समय निकाल दिया है और प्रभु जी के साथ मुझे लेकर आती है, तभी मैं ये सब अटेंड कर पाती हूँ। मैं बहुत इंस्पायर हूँ करती हूँ। यस, जागृति माता जी दृष्टि कृष्ण कॉन्शियसनेस स्वीकार किया और बहुत हेल्प भी किया हमको अपनी डेवलपमेंट में, साथ ही साथ सब वेट शिफ्ट करके मेरे हर समय में बहुत मिलते हैं डेवलपमेंट में जो पास दोनों ही करते हैं और इस मदद और इस मोस जगह भाग था एंड आई और देन व्हाट इज व्हाटएवर शुड बी गोइंग राइट। हरि बोल।
प्रभु जी ने बाजी मार ली, दो भक्तों का नाम ले लिया। हरे कृष्ण। यस माता जी इधर आगे सामने। मैं तो एक साल आया था, मेरे तो यहाँ एसोसिएशन नहीं था मेरे को, तो मुख्य ज्योति माता जी ने आपसे मेरे को जोड़ दिया और ये बहुत नहीं, ये अलाउड नहीं है ऐसी समुदाय की बात करनी है। मेरे को भागवतम क्लास में जोड़ दिया सुबह मॉर्निंग के, तो मैं चपाती भी आपके इसमें उज्जैन के ग्रुप के साथ पास में बैठ जाती हूँ, बाद में आपके भागवतम क्लास ज्वाइन करती हूँ। मुख्य रूपा माता जी के लिए मैं बहुत यस पीछे पीछे माइक दीजिए। जस्ट एक मिनट, जिस जिसने लिखना नहीं पूरा किया वो लिख लीजिए, क्योंकि ये सेशन के बाद में हम अपना अपना नाम उस पर लिखेंगे और प्रभुपाद जी को ऑफर करेंगे हमारा ग्रेटिट्यूड। तो जिन्हें नहीं लिखा है लिख के अपना नाम लिख लीजिए उसके ऊपर। यस सबसे पहले इसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैं स्कूल को भी नहीं जानता था और धोती के चक्कर में चढ़ रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले जो मेरी जो फाउंडेशन है उन्होंने दिया। आज मैं बच्चे बच्चों के बीच में चढ़ा हूँ और एक बार क्लास में एक बार उन्होंने क्लास में गौरव सिंह प्रभु जी को लेकर आए थे, उन्होंने बड़े ही एक भाव से एक एक ही नाम लेना है। क्यों नहीं आते हैं भाई, अटेंड क्यों नहीं करते हो? तो मैं बोला मुझे कम से कम सप्ताह में एक दिन आया करो, जब मैं फिर कर मुझे कहा कि सप्ताह में एक बार आया करो मंदिर में, आप लोग आप तो आते ही नहीं, तो मेरे को ऐसा लगा उसको क्या बात है, क्यों बोलते हैं ऐसे? तो मेरे बात तो था नहीं, लेकिन उसका जो उसकी पुलाइट थी लैंग्वेज थी पुलाइट थी, मुझे कम से कम एक बार आया करो। आज का वो दिन है, मैं महीना में 25 से 26 दिन बंगला जाते हैं। हरि बोल। यस माता जी सामने जानवी प्रिय माता जी। हरे सबसे पहला नाम मैंने इसलिए सारा पूर्ण कर लिखा है। आपका सेटिंग है क्या आपस में? तो मैंने जो लिखा है वही पढ़ देती हूँ। वे मुझे भक्ति में लाए, मेरी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों समस्याओं में उन्होंने मुझे गाइड किया। माइक पकड़ने में मैं डरती थी, प्रचार में उन्होंने मुझे धक्का दिया, बोलते थे कि मुझे धक्का कैसे दिया, पहले मुझे आगे प्रभु जी ने मुझे क्लास दी और बोला कि आपको क्लास से नहीं, मैंने बोला मैं नहीं ले सकती प्रभु जी, तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ और क्लास अनाउंस कर दी आपको ले, और मैं प्रभु जी ट्रेन में थे चले गए क्लास अनाउंस करके। जब मैं क्लास दे रही थी तो क्लास दे रही थी उनका फोन आया, उन्होंने ये नहीं पूछा क्लास कैसी थी, उन्होंने मुझसे पूछा तुम बताओ तुमको कैसा लगा क्लास दे, स्टिल रिमेम्बर कि तुमको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो प्रचार करके अच्छा लगता है, सेवा है करनी चाहिए। फिर मेरे पति से मेरा झगड़ा हो जाता था तो मेरे बाप मेरी बात नहीं सुनते थे, मेरे पिता नहीं सुनते थे, जब प्रकाश से झगड़ा होता था तो पापा को फोन कर दी बोलते मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो है जैसा है उधर ही रहना है, तो मैं प्रभु जी को फोन कर देती कि प्रकाश मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं झगड़ा हो गया हमारा, तो वो मुझे पिता की तरह सिखाते जवाब कैसे देना है, कैसे उसको संतुष्ट रखना है, कैसे उसकी बात माननी और अपनी बात भी मनवानी, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी पत्नी बनने में मदद की हमेशा। मैं उनको फोन लगाती थी और वो मुझे बोल्ड बनाती, बहुत सारी चीजें थी जो सिर्फ इसलिए हमारे जीवन में हम दोनों के जीवन में गड़बड़ थी कि मैं बोल्डली नहीं बोल पा रही थी कि मुझे ये पसंद मैं करना चाहती, तो वो बोल्डनेस मुझे मुझे नहीं दी। मुझे उन्होंने अपने लिए लड़ना सिखाया, मुझे गुरु दिए और गुरु के प्रति समर्पण करना सिखाया। मैं गुरु महाराज को ईमेल लिखती थी, ईमेल लिखने में क्योंकि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं था, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती है, तो मुझे बोलते थे कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो मैं हर महीने गुरु महाराज को एक पत्र जरूर लिखती थी। तो उन्होंने मुझे गुरु से जोड़ा थी और उनके प्रति समर्पण और निष्ठा भी सिखाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे वो एक अच्छा लीडर वो है जो बाकी लोगों को आगे बढ़ाए।
इस तरह प्रभु ने बहुत लोगों के कंट्रीब्यूट किया है। और माता जी ने ऐसा पॉइंट बोल दिया कि बहुत सारे लोगों के फर्स्ट पॉइंट क्रॉस हो गए होंगे। यस प्रभु जी इसकी साइड कहाँ से आवाज़? ओके यस माताओं से उधर माइक दीजिए माता जी इधर चेयर के पास। मैं नीता माता जी का नाम लेना चाहूंगी क्योंकि मैंने नोट किया है कि कैसी भी परिस्थिति हो सुबह 4:30 बजे उनका नियम है फिर अपनी पूजा सेवा करके और क्लास अटेंड करके 7:30 बजे। तो मैं इस चीज से इतनी इंस्पायर हूँ कि मतलब कोई भी सिचुएशन हो उनका मतलब नियम है वो छूटता नहीं है। और दूसरा जो उन्होंने मुझे मेरे बारे में कहा वो बिल्कुल झूठ है, इनकी वजह से आज मैं यहाँ आ पाती हूँ। हरे कृष्ण। ऐसा उदाहरण अगर मिल जाए जो जप में हमें प्रेरणा दे, मॉर्निंग प्रोग्राम प्रेरणा दे, उससे बड़ा और लाभ क्या है। यस प्रभु जी इसकी तरफ इधर पीछे सीताराम प्रभु कुछ बोल रहे थे माइक इधर। हमारा जो गुरु महाराज के प्रति जो भाव सेवा का भाव होना चाहिए मैं आलस्य वैसे और किसी भी कारण से भूल जाता हूँ। मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे लेकिन इससे बच्चे समय की कोई ना कोई गुरु महाराज के पास याद दिलाते रहते हैं। मेरे को गुरु महाराज की सेवा के प्रति बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती रहती है। और भी कोई भी सेवा होती है मेरे को लगता है यहाँ कैसे होगा तो मैं तो हो गया कि हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा। तो किसी कारण के लिए इनके पास से ना नहीं आती है अभी इतना समय का बहुत कर रही हूँ क्योंकि छोटे हुए मेरी बहुत सहायता करते हैं। हरे कृष्ण माताओं से। यस दीजिए हरे कृष्ण प्रभु की तरफ से हम यहाँ तो सबकी सबसे सबके लिए मेरे लिए मन नहीं जाए लेकिन सबसे ज़्यादा मधुर गाने का मालिक के लिए सबसे यहाँ पर अगर बैठे तो उनका उसका रीजन ही वही है। और मुझे लगता है बहुत लोग के चित्त में उनका नाम होगा। और जैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को किसी चीज़ के लिए डालना समझाना मेरी कोई मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व से पहले मतलब पहली चीज तो आई एम वेरी थैंकफुल। यस सामने इधर सामने माइक दीजिए। हरे कृष्ण दादी बहुत डिटेक्टिव जो भक्ति के साथ साथ प्रसाद भी इतना देते हैं करवाते हैं माता जी। जैसे जनरली हम प्रसाद लेते हैं तो इतना मिलता है मतलब माता जी पूरा हाथ करके देती है और पीछे से आवाज भी आती है और भी है तो वो बहुत मतलब उनके फैमिली प्रति और मेरे साथ साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो सब। हरे कृष्ण। मैं जस्ट एक मुझे स्मरण आ रहा है क्योंकि आप सब इतना अच्छा बोल रहे हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमारा जो बेस था हमने उधर एक नोटिस बोर्ड बनाया था और उस नोटिस बोर्ड पे हमने लिखा था ग्रैटिट्यूड और उसमें कुछ खाली कलर्ड पेपर्स स्टिक करके रख दिए थे। तो कभी किसी वक्त को किसी के लिए ग्रैटिट्यूड बोलना होता था तो वहाँ लिख के उसको पिन कर देता था। तो हमारे बेस का एकदम वो जान बन गई थी वो जगह। सब भक्त ऐसा लिख के करते थे। तो आप लोग भी ऐसा कुछ या तो यहाँ फाइल बना सकते हैं या ऐसा कुछ एरिया बना सकते हैं जब भक्त लोग दूसरों का ग्रेटिट्यूड लिख करके वहाँ पर लगाएं। वेरी नाइस। यस माताओं से पीछे। और वो दो गला के लिए मैं बोलती हूँ दो बार बना तो नहीं सीखे लेकिन प्रभु जी ने बोल दिया कि दो कर लिए मतलब कर लिए वो गला की रान आए तो आना अभी
हनुमान जी से कौन पंगा लेगा। और फिर वैसे जो माता जी से रिक्वेस्ट ये करते थे वो जो हम तो भी आलस भी कर जाते हैं घर नहीं जाना कि बस सबसे ऐसा मैसेज छोड़ते थे जाना ही है मतलब। थैंक यू। यस प्रभु जी से ओके पीछे स्टार्टिंग के लिए आपसे पूछा था कि आप किसके प्रति ज्यादा कृतज्ञ हो, तो किसी ने अपने माँ बाप का नाम लिया था, कोई गुरु महाराज गुरु सब फैमिली का, लेकिन अपनी पत्नी का नाम किसी ने नहीं लिया। वास्तव में आपकी पत्नी शरणागति के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मैं आज शरणागत पाया था। प्रभु जी ने भी लिया माता जी का नाम। सभी पतियों को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो लिस्ट देखेंगे बाद में, लिस्ट बाय चांस उधर चली गई तो पंगा हो जाएगा, इसलिए पीछे माता जी नटरानी माता जी पीछे दे। हरे कृष्ण। मैं चरण माता जी के प्रति ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमको ये सिखाया कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए, हम उनकी क्लास अटेंड करने के लिए और क्वेश्चन पूछना चाहिए। पहले डर लगता था कि हमें इतना ऑथेंटिक पूछना नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि नहीं तुम डरो नहीं, पत्रों के मन में वो सीख लूँ, और उन्होंने हमको जो कि हम कुछ भी कर सकते थे गिटी रहती है और जो भी कैंडल से रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो हम बोलते थे हमने तो कभी किया नहीं है कुछ आता नहीं, तो ये बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता उनको भी गुरु सिखाना चाहते हैं और उनकी विनम्रता जो उनसे देखते सीखने का मन करता है तो कोशिश कर लिया तो उनके लिए मैं फिर हरे कृष्ण। आपका तो सेम होना ही चाहिए। हरे कृष्ण। ये सिधर पीछे। ओके पीछे गोवर्धन लीला प्रभु। ओ सॉरी सॉरी सर। ओके हरे कृष्ण। मैं अपने दोनों सिस्टर्स नटरानी माता जी और सुंदरी मंत्री माता जी के लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरे घर से टेम्पल तक की जर्नी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत एनकरेज किया मुझे ये टेम्पल आना है और माला के लिए हमेशा पूछ रही है कि कितनी कर रही हो, एक से दो कराई, दो से चार कराई, तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे को भक्ति के रास्ते के लिए हमेशा एनकरेज करती है। Yes. पीछे गोवर्धन प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु नाम बहुत सारे हैं तो क्या हम रिपीट की है? रिपीट नहीं करते हुए बोलिए। रिपीट नहीं करना, एक तो कौन अंतर जो प्रभु है, एक ही बोलना है। कौन अंतर जो प्रभु है, क्योंकि मॉर्निंग सेवा में जैसे मेरी रहती है, हमारी मॉर्निंग सेवा रहती है, वो पहले ही आ जाते हैं तो पूजा की सारी रेडी कर देते हैं। हरे बोलो। बस 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 ओके इधर। हरे कृष्ण प्रभु। मैं बहुत प्रेम हूँ कलकत्ता किशोर माता क्योंकि शी इज़ द वन प्रॉमिस टू कृष्णा माता जी और उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि भक्ति में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते। छोटे दो बच्चों को लेकर जिस हिसाब से लोग टाइम मैनेज करते हैं हमारी क्लासेस लेती थी मुझे इस काम में लेके आया तो ऐसा लगता है अगर इस काम की प्रॉब्लम आई नहीं होती तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि उसकी वजह से आज हम सभी इस काम में और हमारे घर का माहौल इतना अच्छा है और ये
एजुकेशन में मतलब सीनियर होने के बावजूद भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे वो हमेशा मुझे सभी चीज़ों में बहुत इंस्पायर करते हैं, ट्रेनिंग हो कुछ भी हो, मतलब जो भी वो करते हैं मुझे इंस्पायर करते हैं हमेशा। वेरी वेरी थैंक यू। लास्ट एक एक लेंगे ओके। मैं प्रकाशानंद स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उनकी भक्ति में मैं पहले अकेली जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे प्रभु को जोड़ने वाले प्रकाशानंद स्वामी जी। अगर मेरे प्रभु नहीं जुड़े होते तो भक्ति में आज मैं जिस स्तर पर पहुंची शायद मैं कभी नहीं पहुंची, कभी इतना वो जो क्लासेस अटेंड कर रही हूँ या जो भी सेवा का योगदान कर पा रही हूँ उनके बिना नहीं कर पाती। तो प्रकाशानंद स्वामी जी का बहुत आदर इस तरह। मैं भी कुछ ऐलान करना चाहूँगी। हम लोग जानकी माता जी और प्रकाशानंद के अंदर में है, तो जानकी माता जी ने जो दिया है वो अलग है, लेकिन जो अटैचमेंट, जो अपनापन, जो मतलब उन्होंने जो दिया है ना प्रभु जी, वो कोई भी नहीं दे सकता है। तो जानकी माता जी का अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी यहाँ पे होने का और प्रकाशानंद जी का अलग। हालांकि वो हमेशा बोलते हैं जो करती है जानकी करती है, लेकिन मैं उनको हमेशा बोलती हूँ जानकी माता जी के पीछे भी आप है, आगे भी आप, हमारे भी कोई तीन तीन बोल दिए ऑलरेडी। हरी हरी। यस लास्ट प्रभु जी को दीजिए, बहुत देर से प्रभु जी बात कर रहे हैं। लास्ट सबसे पहले मुकुंद जी प्रभु जी को बड़े पसंद थे, तो वो जी मुझे भक्ति में लाए और गुरु महाराज से सबसे पहले बार उन्होंने मुझे जन्म दिलवाया गुरु महाराज से, और वो भक्ति बल में उनके हिसाब से बढ़ा और उसने मुझे पूरा वो जहाँ मैं पीछे आगे हुआ उसमें मुकुंद से उन्होंने मेरे को हमेशा संभाला, जहाँ भी आगे पीछे हुआ इन दोनों के प्रति मेरे को बहुत बहुत आभार है। हरी हरी। देखिए कितना कुछ हमारे हृदय में है भक्तों के लिए, और यही ये इस्कॉन वेसु समुदाय की विशेषता है कि आप लोगों के बीच में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, अभी है और है प्रेम। ठीक है एक दो और लेते हैं। मुक्त पुरुष प्रभु एक यहाँ से लेंगे और फिर एक लास्ट बैलेंस करने के लिए। एक पत्नी से बताया कि वाइफ लेकिन मैं साथी के प्रति बहुत कृष्ण प्रिय हूँ, जिस तरह से वो मेरी भक्ति में मैं सिंसियरली जैसे जब एक्स्ट्रा कर पा रहा हूँ या समय ज़्यादा दे पा रहा हूँ उसके लिए, तो वो आगे आके जो बिजनेस है या परिवार है उसकी बहुत सारी चीज़ें वो संभाल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उसको। हरे कृष्ण। ओके लास्ट माता जी को दीजिए। हरी प्रिय माता जी। हरी प्रिय माता जी। मैं सभी टीचर्स के लिए ग्रेटफुल हूँ जो भक्ति में आए और मैं साधना कर पा रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपने बेटे का नाम बोलना चाहूँगी। मैं अपने बेटे के लिए ग्रेटफुल हूँ। कुछ दिन पहले मेरी किसी रिलेटिव से कुछ बात हो गई थी, मैं उसके लिए कुछ बुरा अंदर बोल रही थी, बदतमी थी, तो गड़बड़ हो गई, तो मेरे बेटे ने मुझे करेक्ट किया कि आप भक्ति कर रहे हो और ऐसे ही बोल रहे हो। तो ऐसा उसने दो तीन बार किया तो मैं ध्यान कर रही थी। हरे कृष्ण। ओके और है मैं ग्रेटफुल हूँ अपने प्रभु जी के लिए क्योंकि उन्होंने पहली बार मेरे को लाइफ में श्री प्रभुपाद जी की बुक दी थी, और हमारे आलर ट्रेडर अक्षर प्रभु जी और प्रतीक प्रभु मतलब गाइड कर रहे कि गाइड करते हैं कि लाइफ में लोग सो रहे आप सब गाइड करते हैं कि प्रैक्टिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे अटेन करें। हरे कृष्ण। ये पीछे लास्ट प्रभु को हम सब कृतज्ञ हैं प्रेमी भाई प्रभु के लिए जो मंदिर की मंगला आरती के 365 दिन बाद से हमें स्वीकार करते हैं, और जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे भी आना प्रभु जी 12 बजे श्री होते हैं फिर भी 3:30-4 बजे आराधन में मंगला आरती के लिए, ये अपने आप में सबके लिए कृतज्ञता का बहुत है, बहुत बड़ा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे। तो ये फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड चलते रहना चाहिए, कभी भी आप लोगों को मौका मिले साथ में बैठ के इस तरह एक दूसरे को ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। भगवान ये सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान का भी भोग में ध्यान नहीं था, आप लोगों की बात सुनने में ध्यान। इस तरह से हम लोग भगवान के प्रति, प्रभुपाद के प्रति अपने प्रेम को बता सकते हैं। अभी हम सब अपने ग्रेटिट्यूड को प्रभुपाद को ऑफर करेंगे, तो आप सब आगे आ जाइए, प्रभुपाद को ऑफर करेंगे। हम लोग पहले एक प्रेयर करेंगे, प्रेयर करने के बाद प्रभुपाद को ग्रेटिट्यूड ऑफर करेंगे। जिसका मोबाइल है मोबाइल ऑफर कर दीजिए, मंदिर को फायदा होगा। सभी लोग आ जाएंगे, हम लोग एक प्रेयर करेंगे, उसके बाद ये ऑफर करेंगे। हरे कृष्ण, सभी को बोला सकते हैं पीछे पीछे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस एक मिनट, सभी लोग आगे आ जाइए, एक मिनट, हम लोग प्रभुपाद को अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। सभी लोग दोहराइए, हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और मुझे ये शिक्षा दी कि मैं इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त की करूं। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? हे श्रील प्रभुपाद, हम आपके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हम आपके बनाए हुए इस्कॉन को कभी छोड़कर जाए ना। हम आपके बनाए हुए जीबीसी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को आपस में अच्छे संबंध रखें। श्रील प्रभुपाद की नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशवादिनी। एषा श्रद्धांजलि समर्पयामि। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन भक्त वृंद की जय। इस्कॉन वेसु भक्त वृंद की जय। और